हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग जा रहे हैं बागेश्वर धाम, सागर टू बागेश्वर। नाइट का बजा है 12, हम लोगों ने नहा लिया है। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम के बारे में हम आपके लिए ए टू जेड जानकारी देंगे। अगर वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा तो हम उसको 2 से 3 पार्ट में अपलोड करेंगे, लेकिन वहां के बारे में सब कुछ अद्भुत चीजें आपको हम दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें अंत तक। रास्ता भी तो फ्रेंड्स, हम लोग घर से निकल आए, हम लोग हैं रास्ते में। हम लोग सागर से बंदा आ चुके हैं, अब बंदा से हम लोग सागर जाएंगे, फिर उसके आगे आगे जाएंगे। तो हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। नाइट का सफर करने के मजे ही अलग है। पूरी सड़कें खाली की खाली पड़ी है, मस्त लिए जाओ। तो दोस्तों, बंडा के बाद अब हम पहुंच चुके हैं सहायगढ़, जो कि सागर से 73 किलोमीटर दूर है। और दोस्तों, सहायगढ़ से 25 किलोमीटर और सागर से 100 किलोमीटर छतरपुर रोड पर भीमकुंड पड़ता है। भीमकुंड दोस्तों वो जगह है जहां पर भीम ने गदा से अपनी पानी निकाला हुआ था जमीन से। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ श्रद्धालु भक्तगण बागेश्वर धाम पैदल जा रहे हैं, जिनसे मैंने पूछा हुआ था अभी। तो दोस्तों, ये हम पहुंच चुके हैं छतरपुर से थोड़ी आगे। ये 4 लाइन का जो अंडर ब्रिज है, मतलब 4 लाइन ऊपर से गई हुई है, ये इस साइड झांसी से आई हुई है और हमें जाना है पन्ना तरफ। इसी 4 लाइन पर लगभग 20 किलोमीटर अगर छतरपुर से इस साइड से आप आते हैं, और छतरपुर शहर में से भी अंदर से जाके इस 4 लाइन पे लग सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से आए हुए हैं। तो ये छतरपुर जो सामने दिख रहा है यहाँ पर, ये छतरपुर से रोड आया हुआ है और ये घूम के जाना है हमारे लिए पन्ना रोड पर। दोस्तों, ये खड़ी हूँ मैं पन्ना हाईवे पर। पन्ना हाईवे में 20 किलोमीटर चलाई हूँ। अब ये बोर्ड लगा है, यहाँ से लेफ्ट मोड़ना है। यही और ये हम लोग इस साइड से आए हुए हैं, मतलब ये झांसी रोड है यहाँ से, और ये साइड है पन्ना, और पन्ना रोड पर ये बोर्ड लगा हुआ है। ये बागेश्वर महाराज सरकार जी का बोर्ड लगा हुआ है महाराज जी का, और यहाँ से हमें लेफ्ट मुड़ना है। यहाँ से टैक्सी वगैरह ही मिल जाती है हाईवे। फ्रेंड्स, हम लोग गड़ा गांव आई गए हैं। हम लोग यहाँ रुके हैं चाय के लिए, और ये इसके पीछे कोई पर्वत दिख रहा है। ये पर्वत का मुझे नाम नहीं पता, पर कितना सुंदर लग रहा है, आप देखिए। हम लोग बागेश्वर मंदिर आ चुके हैं। गाड़ी हम लोगों ने थोड़े से आगे पार्क कर दी है और हम लोग मंदिर आवेदक से पैदल जा रहे हैं। बस जाने वाले हैं, मंदिर पहुंचने वाले हैं। आप लोग बने रहिए मेरे साथ, मैं आपके लिए दर्शन कराती हूँ घर बैठे। पीले कपड़ा और काले कपड़ा और लाल कपड़ा का क्या मतलब, कैसा चढ़ाया जाता है, क्या रहता? ये अर्जी होती है, ये येलो कपड़ा है जो जिसके शादी की मनोकामना है, कई साल हो गए हैं शादी नहीं हो पा रही है, ठीक है। इस प्रकार से ये अर्जी होती है, तो मंदिर में चढ़ावा करना पड़ता है इसका। मंदिर में जाके अपने मन की भावना है जो, इसको जाके बांध दीजिए, फिर अपने मन की भावना बोल दीजिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने मन में ये बांध देना है और 21 परिक्रमा लगाना है। जो ये ब्लैक कपड़ा है, ये होता है प्रेतवादा के लिए, जैसे किसी के घर में भूतवादा है, प्रेतवादा है, ये उनके लिए है। तो इसको जाके बांध दीजिए और अपने मन मन की जो भी है, प्रेतराज सरकार का दरबार है, ऊपर पेड़ है, उसके पास जाके बैठना है आपको और ये बांधना है, और किसी को बताना नहीं है क्या दिक्कत है। और 21 पर जब प्रेतवादा हो जाए आपकी, वहाँ पे पेशी आ जाए, पेशी आने के बाद 21 परिक्रमा लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये उसके लिए है। और ये है जो आपके घर में कोई दिक्कत है, जैसे लड़ाई झगड़े हो गए, मारपीट है, और भी कोई भारी समस्या होती है, ये उनके लिए, ठीक है। तो इसको अर्जी बांधने के बाद 21 परिक्रमा लगा दो और बस अपनी मंगलवार की पेशी करना चालू है।
और पेशी करने का कैसा रहता है? पेशी करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पेशी आप एक महीने में एक बार भी कर सकते हो, दो महीने में भी कर सकते हो, चार महीने में भी एक बार कर सकते हो, हर मंगलवार शनिवार भी कर सकते हो। अच्छा जी, तो दोस्तों जैसे कि अभी मैंने आपको नारियल का बताया था, तो देखिए आप नारियल की बब्बा की महिमा देखिए, वहां से नारियल यहाँ तक ही बंधे हैं और आगे भी बंधे हैं। आओ ना आगे का दिखाओ ना, ये देखिए पूरा, ये देखिए यहाँ से वहां तक और दिख ही रहा है ऊपर तक पूरा। ये मनोकामना वाले नारियल हैं जो अभी हमने आपको दिखाए हुए थे सभी प्रकार के, और हमें तो ऐसा भी लग रहा है कि जगह ना होने की वजह से कुछ निकाल दिए गए हों, क्योंकि ये सब खाली है, नहीं तो भरे होते हैं जैसे पहले वीडियो में देखा गया है। फ्रेंड्स हम लोग मंदिर के गेट पर आ ही गए हैं, चलो चलते हैं अंदर देखते हैं और आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको दर्शन कराती हूँ। ये देखिए कितने सारे नरियली यहाँ पर देखो, हाँ। वाले आप देख ही रहे होंगे ये और भी बंधे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ की महिमा देखो पहले आप, तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर प्रांगण में। ये मुख्य मंदिर है दोस्तों बालाजी का, जिस लाइन में हम लगे हैं ये दोस्तों दर्शन करने वाली लाइन है, मतलब बालाजी सरकार के मुख्य द्वार पर पहुंचने वाली लाइन है, मतलब हमें दर्शन होंगे बालाजी सरकार के। और दोस्तों हमारे बाएं तरफ आप देख सकते हैं खाली वाली लाइन, इसमें वे व्यक्ति लगते हैं जिनके लिए परिक्रमा करनी है। दोस्तों ये देख सकते हैं आप इस तरह से वहाँ का कुछ नज़ारा है। ये मंदिर है बालाजी सरकार का, गढ़ा के हनुमान जी का, और दोस्तों हम लोग जाने वाले हैं अब दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों जैसे आपको नीचे बताया गया था कि काले कपड़े वाले व्यक्ति भूत प्रेत बाधा हो तो वो वाली अर्जी बांधते हैं, और मनोकामना के लिए लाल कपड़े वाले बांधते हैं जैसे नॉर्मल मनोकामना होती है। तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर लाल कपड़ा के अर्जी लगी हुई है और नारियल बंधे हुए हैं। तो दोस्तों जो पेड़ का उन्होंने बताया था नीचे भैया ने, वो देखो अभी आपको दिखने ही वाला है। यहाँ पर आप दाएं तरफ देखना ध्यान से, तो एक पेड़ है, वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से उनकी आवाज़ें आ रही थी, मतलब उनको जो भूत लगे हुए हैं उनकी वजह से उनकी आवाज़ें निकल रही थी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये दिख रही हैं, ये पेड़ से चिपके हुए हैं ये लोग, ये भूत प्रेत वादा वाले लोग हैं। और दोस्तों ये बालाजी सरकार की शरण में आए हुए हैं अपने भूत प्रेत भगाने के लिए। तो दोस्तों हम ये फाइनली पहुंच चुके हैं मुख्य मंदिर, ये है हमारे गढ़ा के हनुमान जी का, बालाजी का मंदिर, और ये है दोस्तों बालाजी सरकार की स्थापना, आप देख सकते हैं और आप दर्शन भी कर सकते हैं। दोस्तों क्या है कि वहाँ पर वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो इस वजह से वो थोड़ा सा खड़ा वीडियो बना हुआ है वर्टिकल मोबाइल में। और दोस्तों जिन लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो यहाँ पर नारियल चढ़ा रहे हैं श्रद्धालु, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर नारियल चढ़ाते हैं वो व्यक्ति जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है बालाजी सरकार के द्वारा। और दोस्तों आज रविवार के दिन हम लोग बागेश्वर धाम गए हुए थे, नहीं तो दोस्तों यहाँ के जो दुकानदार हैं वो बताते हैं कि मंगलवार और शनिवार को तो यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं होती है, लगभग लगभग 70-80 हज़ार लोग आते हैं। दर्शन तो बहुत अच्छे से मिल गए हैं, लेकिन हम आपको प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाए हैं वहाँ का, क्योंकि वहाँ पे वीडियो वो बनाने नहीं दे रहे थे। जैसे कि दर्शन हम लोग कराए हैं, महाराज जी का दरबार यहाँ लगता है, महाराज जी अंदर बैठते हैं, बाहर ये जगह दिख रही है जो यहाँ पे जनता बैठती है। अभी महाराज जी है नहीं, नहीं तरह हम आपको उनसे ही मिलवा देते। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये बागेश्वर धाम सरकार की प्रतिमाएं मिलती हैं जिसको भी खरीदना हो। तो दोस्तों हम ये ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, अब हम यहाँ से जाएंगे खजुराहो, तो आपके लिए यहाँ से सेकंड पार्ट में मिलेगा खजुराहो का व्लॉग। और दोस्तों वहाँ पर जब मैं दर्शन करने गया था तो पैर बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे पानी और कीचड़ की वजह से, इस वजह से मैं जूते हाथ में लेके रखा हूँ। थैंक यू।